हमारा 5 किलो का हलवा, गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। और अब हम उसमें दो इसका, किलो दूध डाला है इसमें हमने, हमने दो 2 किलो दूध डाला है। किलो दूध में गाजर बन पकाई है पहले, फिर हमने 1 किलो मावा भी डाला है ऑलरेडी, अच्छा माशाल्लाह, और चीनी डाली है। देखते हैं भाई इसका लुक, ये देखें इसका फाइनल। वीडियो देखने से पहले मैं नानू मम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बलाबल वाली घंटी जरूर बजा दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनाज अमीन बेस्ट किचन। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे ब्रॉस्ट बनाने की रेसिपी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जी चिकन ब्रॉस्ट बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और मैं आपको बताती चलूँ हूँ जी। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 कप हमने दही लिया है और ये लेमन जूस है, लीमू का रस यानी कि 2 लीमू हमने स्क्वीज कर लिए हैं, 1/2 कप हमने ऑयल ले लिया है और ये अंडा लिया है हमने 1। चलें जी मसाले बताती हूँ क्या क्या इसमें ऐड होगा। मसाले 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबल स्पून बेसन लिया है और 1/2 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक लें हसबे ज़रूरत और ये हल्दी है जो कि हमने 1/2 टीस्पून ली है। तो जी अब हम चिकन में डालने लगे हैं लेमन जूस यानी कि लीमू का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, योगर्ट डाल रहे हैं अब, और मैंने आपको शुरू में सब बता दिया है कि कितने कितने हमने चीज़ें डालनी हैं। तो बस अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये डाल रहे हैं। अब इसमें ऑयल डालेंगे, एक अंडा डाल रहे हैं अब, और जो मैंने आपको मसाले बताए हैं सारे, ये सारे मसाले इसमें डालेंगे। ये सारे डाल दिए हैं हमने मसाले। कुकिंग करने से पहले आप हाथ अच्छी तरीके से धोएं फिर हाथों का इस्तेमाल करें, या फिर आप हैंड ग्लव्स भी मिलते हैं डिस्पोजेबल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं चिकन में, अच्छे से इसके जो हमने कट लगाए थे चिकन में उसके अंदर भी मसाला डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर भी मसाला जाए और अच्छा बने हमारा ब्रॉस्ट। तो जी ये मैरिनेट कर लिया है और अब हम इसे ढक देंगे, 2-3 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो जी ये मैरिनेट हो चुका है अच्छे से चिकन। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा। अब हम ब्रॉस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं चिकन ब्रॉस्ट, इसमें हमने 1/2 कप मैदा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे को, और अब इसमें सिरका डलेगा। और अगर आपके पास सिरका नहीं है, मेरे पास सिरका नहीं था तो मैंने लेमन जूस डाला है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस डालें, वरना अगर आपके पास सिरका हो तो आप सिरके का ही इस्तेमाल करें। 2 टेबल स्पून हमने लेमन जूस डाला यानी कि लीमू का रस, 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाली है, 1/2 कप दूध डाल रहे हैं अब इसमें, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हमने एक बड़ी सी थाली या फिर परात ले ली है, अब हम इसमें 4 कप मैदा डालेंगे, 1 2 3 4 4 कप मैदा डाला है हमने इसमें, और अब हल्का सा नमक डालेंगे। तो जी ये जो हमने मैदे का बनाया है अब ये ब्रॉस्ट बनाने में काम आएगा, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और देखें जी, ये जो हमने चिकन तैयार करके रखा है और ये जो हमने मैदे का बनाया है, मैदा और नमक मिक्स करके, वो है ठंडा पानी है जो कि हमने फ्रिज से निकाल लिया है। ठंडा पानी होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा हो पानी, बर्फ़ जैसा। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना ब्रोस्ट। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, अब हम उसे हमने मैदे में डाल दिया है। मैदे और नमक को जो हमने पाउडर बना के रखा था उसमें डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, मैदे को मिक्स कर रहे हैं अच्छे से इसमें चिकन में, ताकि इसके लेयर ब्रोस्ट की जो है कड़क बने, क्रिस्पी बने और अच्छी बने। जितना आप इसे मैदे के साथ अच्छा मिलाएंगे, मैदा इसमें अच्छा मिलाएंगे आप, उतना ही आपका ब्रोस्ट क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। चिकन में हम मैदा लगा रहे हैं अच्छे से। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स मिलती हैं ब्रोस्ट के लिए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा और नमक, मैदे में नमक मिला के इसके हम बना रहे हैं। ठंडे पानी में डालेंगे अब हम इसे। देखें जी, अब हमने इसमें ठंडे पानी में इसको डाल दिया है। चिकन को ठंडा होना चाहिए बिल्कुल पानी। अब हम इसे वापस से मैदे में डाल रहे हैं ताकि इसकी लेयर अच्छी बने ब्रोस्ट की, क्रंची बने ब्रोस्ट। वापस से अब अच्छे से हम इसको लगा रहे हैं मैदे को चिकन में। अब हमने इसको वापस से ठंडे पानी में डाल दिया है। कम से कम आप ऐसे 3 बार करें। अब हम इसमें मैदे में हमने इसको वापस से डाल दिया है चिकन को, ठंडे पानी से निकाल के फिर वापस से इसको लगा रहे हैं मैदे को। अब हम इसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे। देखिए जी, मैंने आपको पहला प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से होगा ब्रोस्ट बनेगा। अब हम दूसरा बना रहे हैं ब्रोस्ट, उसमें भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर होगा। हमें इसको फ्राई इतना करना है कि ये क्रंची लगे, क्रंची हो जाए बिल्कुल। अब हम सारे चिकन को वैसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले मैदे में लगाएंगे अच्छे से, मैदा लगाएंगे इस चिकन में, फिर हम ठंडे पानी में मिलाएंगे, फिर वापस से मैदा लगाएंगे, फिर ठंडे पानी में मिलाएंगे। ऐसे 3 बार हमें करना है, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को।
अब इन सारे चिकन को हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए जी, वन बाय वन हमारे ब्रोस्ट फ्राई हो रहे हैं और एक तरफ रोटियां बन रही हैं। तो जी यहाँ पे इकरार रोटियां बना रही हैं होटल स्टाइल में गर्मा गर्म। तो जी हम अब थर्ड ब्रोस्ट फ्राई कर रहे हैं। ऐसे वन बाय वन सारे ब्रोस्ट फ्राई हो रहे हैं। ये देखें जी, ये ब्रोस्ट हमने निकाल लिए हैं जो हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं, और ये थर्ड ब्रोस्ट फ्राई हो रहा है। और ये देखें जी, ये ब्रोस्ट कितने अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आप चाहें तो मैंने जो मैरिनेशन का प्रोसेस बताया था, आप उसके बाद क्रिस्पी, अगर आपको चिकन क्रिस्पी करना है या फिर ब्रोस्ट बनाना है तो बाहर से आपको ईजली मार्केट में मिल जाएगा, ब्रेड क्रम्स के नाम से होता है। ब्रेड क्रम्स आप इस चिकन को मैरिनेट करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं और फिर आपको उसको फ्राई कर लें तो आपका ब्रोस्ट भी बन जाते हैं उससे। तो देखें जी कितना अच्छा कलर आ रहा है इस ब्रोस्ट में, बहुत ही यम और टेस्टी लग रहा है, क्रिस्पी क्रंची लग रहा है माशाल्लाह। अब हम इसे निकाल रहे हैं, वन बाय वन फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें जी हमारे ब्रोस्ट का फाइनल लुक, जो कि बिल्कुल क्रंची लग रहे हैं। जी सारे ब्रोस्ट बनके रेडी हो गए हैं। और ये है टिक्का, जो कि मैरिनेट के बाद सीधे हमने इसको फ्राई कर लिया था, इसमें हमने कोई मैदा नहीं लगाया है। और ये है ब्रोस्ट, आप चाहे केचप के साथ खाएं, रोटी के साथ लेमन स्क्वीज करके और चटनी के साथ खाएं, या तो आप अनियन कट करके खाएं, इट्स अप टू यू। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें जी यहाँ पे बज रहे हैं 12:30 और मेरी मम्मा, तो देखें जी ये बन रहा है हमारे यहाँ गर्मा गर्म हलवा, जो कि मेरी मम्मा बना रही हैं। ये देखें गाजर का हलवा, कितने किलो बनाया है आपने? 5 किलो। माशाल्लाह 12:30 बजे ये 5 किलो हलवा बना रही हैं ये, हलवे वाली शहनाज़ अमीन बेस्ट किचन। और गाजर के हलवे की रेसिपी मेरी मम्मा आपके साथ शेयर कर चुकी हैं, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं हमारे चैनल में, गाजर के हलवे की रेसिपी हम डाल चुके हैं, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं की इसकी रेसिपी। 5 किलो का हलवा, गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसको 2 किलो दूध डाला है, इसमें हमने 2 किलो दूध डाला है, 2 किलो दूध में गाजर बन पकाई है पहले, फिर हमने 1 किलो मावा भी डाला है ऑलरेडी। अच्छा माशाल्लाह, चीनी डाली है, देखते हैं भाई इसका लुक। तो जी 1 किलो मावा 5 किलो हलवे में कम था, तो फिर हमने और इसमें 2 किलो मावा ऐड किया था, 5 किलो के हलवे में हमने 3 किलो मावा डाला। गाजर के हलवे की रेसिपी हमारे चैनल में है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप उसमें विज़िट कर लीजिएगा। और 5 किलो हलवा अगर आप बनाएं गाजर का, तो उसमें 3 किलो तकरीबन 3 किलो तो आप उसमें मावा डालें, क्योंकि मावा ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर के हलवे में, और 1 किलो मावा कम था इसमें, इस वजह से हमने और डाला था 2 किलो मावा। और ये जो केक है ये इस वजह से हमने मंगवाया है क्योंकि मम्मा की बर्थडे थी, तो हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था घर पर। तो जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।